कि अगर इस देश में कोई राजनीतिक बदलाव होगा तो उस राजनीतिक बदलाव की शुरुआत गुजरात से होगी, ये बात लोग जरूर कहते हैं। और आज जब देश एक परिवर्तन महसूस कर रहा है उसकी शुरुआत भी गुजरात से होनी चाहिए, क्योंकि एक बार गुजरात नहीं अगर गुजरात मॉडल का पर्दाफाश कर दिया तो पूरे देश में झूठ का बोलवाला नहीं चलने वाला है। कि आप अगर एक संदेशा गुजरात से देंगे, इसकी गूंज पूरे देश में होगी, तो यह ऐतिहासिक जिम्मेवारी आज आपके कंधे पे है। मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज हजारों किलोमीटर चल करके छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, फिर भी मैं आपके बीच आया हूं तो सिर्फ यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि हम नौजवाना का भविष्य आपके हाथ में है। उस नौजवान के बिहाफ पे मैं गुजरात के नौजवान से और आप तमाम बुजुर्गों से यह अपील करने के लिए आया हूं, देश बचाने की जिम्मेवारी आपके हाथ में है। हर 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, एक संदेशा आप हमारे हक में दीजिए। आपने 27 साल भाजपा को मौका दिया। अगर अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है क्योंकि उसका बाप देश का गृह मंत्री है, तो मेरा बाप मजदूर है, मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, तो क्या मजदूर होना, आंगनवाड़ी में काम करना कोई गुनाह है क्या? कि डिग्री लेकर के लोग दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी कहाँ मिलेगी जब तमाम सरकारी संपत्तियां रोज बेची जा रही है, कभी रेलवे बिक रहा है, कभी BSNL बिक रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे यह अपील करने के लिए आया हूँ अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कि गुजरात से परिवर्तन का एक आवाज आना चाहिए। ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए, संकल्प आप लोग ले रहे हैं? झूठ नहीं बोलिए, गांधी की धरती है, गांधी की धरती है, झूठ नहीं बोलिए। अगर संकल्प ले रहे हैं तो मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सड़क पार करते हुए जब मन में दुविधा होती है ना तो एक्सीडेंट हो जाता है। मन में कोई दुविधा मत रखिए। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी। लेकिन हमने ये तय किया कि जब हमारी यात्रा गुजरात नहीं जा पा रही है तो कम से कम छुट्टी के दिनों में अपने गुजरात के भाई बहनों के बीच जाया जाए और उनसे पूछा जाए केम छो, मजा में छो, सारू छे, सारू छे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम तमाम लोगों को एक टीम की तरह काम करने की जरूरत है। आप सब लोग यहां चुनाव में लगे हुए हैं, हम सब लोग वहां भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन हैं तो हम सब लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस परिवार के सदस्य ना। तो टीम कैसे काम करती है? कुछ लोग बॉलिंग करते हैं, कुछ लोग बैटिंग करते हैं, कुछ लोग फील्डिंग करते हैं और कुछ लोग टीम का मैनेजमेंट करते हैं। तो आप यूं ना समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है उसमें गुजरात हमारी प्राथमिकता में है। यही बात मैं आप सब लोगों से साझा करने के लिए आया हूं। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं बिहार से आता हूं, हालांकि मेरे बहुत सारे गुजराती दोस्त हैं। बिहार से आकर के कोई गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात के लोगों को नहीं बता सकता है कि उनको क्या करना चाहिए। अरे आपने तो गांधी जैसा महान विभूति पैदा किया है, आपने तो सरदार पटेल जैसा महान विभूति पैदा किया है, तो कोई बाहर से आकर के आपको ये नहीं बता सकता है कि गुजरात को क्या करना चाहिए। कोई इधर से आकर के, उधर से आकर के, दिल्ली से आकर के आपको नहीं समझा सकता है कि गुजरात के लिए क्या जरूरी है। मैं समझता हूं कि गुजरात तो एक ऐसा राज्य है कि आप आज करते हैं दुनिया उसको परसों करती है, तो आपको क्या करना चाहिए ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन आपने जो ये
परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली है, इसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं। सहमत क्यों हैं? कि बचपन में हमने अपनी मां को रोटी पकाते हुए देखा है। रोटी अगर तवे पर बहुत देर तक छूट जाए तो रोटी जल जाती है। 27 साल हो गया है, आप रोटी पलट ही नहीं रहे हैं। ये रोटी आपको पलटना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पानी अगर ठहर जाए तो बदबू मारने लगती है, होता है कि नहीं होता है? लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहनी चाहिए, उससे सरकार के ऊपर जनता का दबाव बना रहता है। वरना सरकार को यह लगता है कि जो मर्जी कर लें, हमको तो कोई हराने वाला ही नहीं है। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए और लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ये अच्छा वैसे नहीं है, हम मोरवी की घटना पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न तो आपको अपने आप में सोचना चाहिए ना कि इस देश में हो क्या रहा है। घरे घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने के लिए दे दीजिए और गोली चलाने वाले व्यक्ति को जो है आप गृह मंत्रालय दे दीजिए, तो देश कैसे चलेगा? देश के भीतर जो व्यक्ति जिस काम के लिए काबिल हो उसको वो काम देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात प्रदेश के नेता से देश के नेता बने हैं, उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया है। गुजरात पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो इतनी जल्दी अचानक से कोरोना के बाद खास करके पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता। अगर बदला गया है तो एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, या तो पहले वाला ठीक से काम नहीं कर रहा था। अगर ठीक से काम नहीं कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं था। अगर ठीक से काम नहीं कर रहा था, ध्यान नहीं था, तो दूसरा वाला भी ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान तो आपका अभी नहीं है। अगर आपका ध्यान होता तो आपके प्रदेश में कोई घटना घट गई और आप इधर उधर चुनाव प्रचार करने में व्यस्त रहे, आप अगर वहां जाते समय पर, कहते हैं ना कि आप अगर अपने राज्य का ध्यान रखते तो किसी को दिल्ली से आकर के यहां ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप फ्री बिजली दिए होते, अगर आप गुजरात के स्कूलों पर ध्यान दिए होते, अगर आप गुजरात के नौजवानों को रोजगार दिए होते, अगर सिविल अस्पताल में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान नहीं गई होती, अगर किसानों को उनके फसल का दाम मिला होता, तो किसी को बाहर से आकर के राजनीति करने का अवसर मिलता? तो ये अवसर तो जो लोग गद्दी पे बैठे हैं उन्होंने ही पैदा किया है। और इस संबंध में मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वोट आम लोगों को करना है, और आम लोग जो वोट करने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा आज के तारीख में कंफ्यूज किया जाता है। कंफ्यूज क्यों किया जाता है? ताकि वो एक मजबूत विकल्प को चुन ना सके, और मजबूत विकल्प को नहीं चुनने की स्थिति में जो पुराना विकल्प होता है वही चलता रहता है। और कौन है मजबूत विकल्प? इसका सीधा गणित है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। सीधा गणित यह है कि जो नई पार्टी आज के डेट में गुजरात में आई है वो बीजेपी से नहीं लड़ सकती है। क्यों नहीं लड़ सकती है? तो आपको एक बात समझना होगा कि उस पार्टी का निर्माण ही कांग्रेस के विरोध में हुआ है। आप सब जानते हैं कि अन्ना जी का आंदोलन तब हो रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी सब कुछ हो रहा है। 27 साल से गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है?
भ्रष्टाचार बंद हो गया, किसान को उनके फसल के दाम मिल रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, आपको आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है। तो जब सब कुछ हो रहा है तो जो कांग्रेस के विरोध में आंदोलन किया गया था उस आंदोलन की हकीकत क्या है, ये सवाल पूछना चाहिए ना। कि आज जब देश के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आज जब किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, आज जब इस देश के भीतर महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, देश की सार्वजनिक संपत्ति दिन रात बेची जा रही है, तब अन्ना जी कौन सा दवाई लेकर के सो रहे हैं, ये सवाल पूछना चाहिए ना। कांग्रेस के विरोध में जो पार्टी बनी है, और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आज तक भाजपा को हराने का आम आदमी पार्टी का इतिहास नहीं है। दिल्ली में सरकार बनी कांग्रेस को हरा करके, पंजाब में सरकार बनी कांग्रेस को हरा करके, और ऐसा ही माहौल बना था। मैं गोवा के चुनाव में था, गोवा के चुनाव में क्या हुआ, वोट का बंटवारा हुआ, बीजेपी द्वारा जीत गई। उत्तराखंड के चुनाव में क्या हुआ, और ये सारी जगहों पे बीजेपी की सरकार थी, वोट का बंटवारा हुआ, बीजेपी जीत गई। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपने वोट का बंटवारा करना है या सचमुच रोटी जल न जाए इसीलिए रोटी को पलटना है, परिवर्तन करना है। ये संकल्प गुजरात के लोगों को लेना है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो होता आया है उसी से आप सीखेंगे। हो तो यही रहा है कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बन सकती है, लेकिन तमाम कांग्रेस विरोधी ताकतें एकजुट होकर के किसी भी सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजबूत विकल्प ना हो जाए इसकी पूरी कोशिश की जाती है। और आज हम देख क्या रहे हैं, जो लोग बेईमानी से देश का पैसा चोरी किए हैं, देश की संपत्ति लूटे हैं, उनको ईडी से डराया जाता है। ईडी से डर करके या अपना ईमान बेच करके लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। आज आपके सामने एक ऐसी आवाज है जो भाजपा के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, जिसने एक पैसे की चोरी नहीं की, उसको ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता है। इसीलिए अगर आप मजबूत विकल्प चाहते हैं तो आपके सामने एक विकल्प है, और वो विकल्प ये है कि पिछली बार भी कुछ सीटों से गुजरात में सरकार नहीं बन पाई। तो आप बताइए, जिसको 12 सीट कम है, जिसको 15 सीट कम है, वो भाजपा को ज्यादा सक्षम तरीके से हरा सकता है कि जिसको एक भी सीट नहीं है वो भाजपा को ज्यादा सक्षम तरीके से हरा सकता है? ये फैसला आपको लेना है। बाकी एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि हम देश में घूम जब रहे हैं तो सब तरफ लोग एक बात कहते हैं कि अगर इस देश में कोई राजनीतिक बदलाव होगा तो उस राजनीतिक बदलाव की शुरुआत गुजरात से होगी। ये बात लोग जरूर कहते हैं। लोग कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ जब एक माहौल बना था उसकी शुरुआत भी गुजरात के हॉस्टलों से हुई थी, और आज जब देश एक परिवर्तन महसूस कर रहा है उसकी शुरुआत भी गुजरात से होनी चाहिए। क्योंकि एक बार गुजरात नहीं, अगर गुजरात मॉडल का पर्दाफाश कर दिया तो पूरे देश में झूठ का बोलवाला नहीं चलने वाला है। और हम बार बार कहते हैं कि देश को जब भी जरूरत होती है सत्य की तो गुजरात सबसे आगे जाकर के खड़ा होता है। अभी हमारे कुछ साथी यहां नारा लगा रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद। भाई साहब, गुजरात में मोहन दास करमचंद गांधी जिंदाबाद सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि
बाकी आप जिनका भी नाम लेते हैं, चाहे आप नेहरू जी का नाम लें, इंदिरा जी का नाम लें, चाहे आप सरदार पटेल जी का नाम लें, ये सब गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग थे। और हमारा बिहार का गुजरात से गहरा नाता है। आपने मोहनदास करमचंद पैदा किया, हमारे यहां आकर के वो गांधी बन गए, क्योंकि हमारा ताल्लुक बिहार से है, चंपारण से है, और वहां से ये आवाज लेकर के मैं आपके बीच आया हूं कि आप अगर एक संदेशा गुजरात से देंगे, इसकी गूंज पूरे देश में होगी, तो ये ऐतिहासिक जिम्मेवारी आज आपके कंधे पे है। मैं आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज हजारों किलोमीटर चल करके, छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, फिर भी मैं आपके बीच आया हूं, तो सिर्फ यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि हम नौजवानों का भविष्य आपके हाथ में है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हमारे पास सब डिग्रियां हैं, ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस करके हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं, और जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि कोई जो सटोरिया है, कोई स्कैमर जो है, घोटालेबाज जो है, वो सरकार के साथ हाथ मिला करके प्रश्न पत्र को लीक कर दिया है। जब एग्जाम देते हैं, परीक्षा फल आने वाला होता है, तो पता चलता है कि सीटें बेच दी गई हैं। और आप ये जान लीजिए, हमारा भविष्य बहुत मुश्किल में है, और हम सोच ना सकें, हमारे हाथ में मोबाइल है और दिन भर व्हाट्सएप पे हमको झूठ परोसा जाता है। हकीकत ये है कि दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है, इसीलिए उस नौजवान के बिहाफ पे मैं गुजरात के नौजवान से और आप तमाम बुजुर्गों से यह अपील करने के लिए आया हूं, देश बचाने की जिम्मेवारी आपके हाथ में है। हर 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, एक संदेशा आप हमारे हक में दीजिए, और हमारा हक इस देश के आम आवाम के हित की बात है। हमारी राजनीति ये नहीं है कि हम किसी से छीन करके किसी को कुछ देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में न्यायपूर्ण बंटवारा हो। आपने 27 साल भाजपा को मौका दिया, अगर अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है, क्योंकि उसका बाप देश का गृह मंत्री है, तो मेरा बाप मजदूर है, मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, तो क्या मजदूर होना, आंगनवाड़ी में काम करना कोई गुनाह है क्या? कि डिग्री लेकर के लोग दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी कहाँ मिलेगी जब तमाम सरकारी संपत्तियां रोज बेची जा रही है, कभी रेलवे बिक रहा है, कभी बीएसएनएल बिक रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे यह अपील करने के लिए आया हूं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में, कि गुजरात से परिवर्तन का एक आवाज आना चाहिए, ये संकल्प आप तमाम लोगों को लेना पड़ेगा। बोलिए, संकल्प आप लोग ले रहे हैं? झूठ नहीं बोलिए, गांधी की धरती है, गांधी की धरती है, झूठ नहीं बोलिए। अगर संकल्प ले रहे हैं तो मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा, सड़क पार करते हुए जब मन में दुविधा होती है ना, तो एक्सीडेंट हो जाता है। मन में कोई दुविधा मत रखिए। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी। इसी अपील के साथ, इसी भरोसे के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गुजरात।